बहरहाल जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, शोमा चौधरी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर कालिख पोतने की कोशिश की गई है। लेकिन विजय जौली का कहना था कि वो कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, एक पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। विजय जौली जी यहाँ मौजूद है। विजय जौली जी, आपने यहाँ पर कालिख या पेट से यहाँ पर एक्यूज लिखा, कालिख यहाँ पोती आपने, भगौड़ी है, भाग गई पुलिस के प्रोटेक्शन में, भागी है। दिस इज नॉनसेंस। अभी भगौड़ी का नोटिस नहीं, आप लोगों ने यहाँ पर उनके गाड़ी पे पथराव किया। क्या वो जेन्युइन था कि उस महिला के साथ यौन शोषण का कोशिश करी गई? क्या वो जेन्युइन था? मैं आपके चैनल से बात नहीं करूंगा अगर आप इस ढंग के क्वेश्चंस करेंगी हमें। मेरा गुस्सा हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों का, यहाँ के नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ना स्वाभाविक है। 8 दिन से वो आरोपित हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। वो कभी हाईकोर्ट में जाते हैं, कभी पुलिस की शरण में जाते हैं, कभी अपने नेताओं की शरण में जाते हैं और कभी कभी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। यहाँ पर विजय जौली जी काफी गुस्से में, हालांकि शोमा चौधरी यहाँ अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल गए, लेकिन जब वो अपने घर के बाहर आई J42 साकेत में वो रहती हैं, और तब यहाँ जो कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने उनकी गाड़ी पे पथराव किया। इससे पहले विजय जौली, जो कि नेम प्लेट है शोमा चौधरी का नेम प्लेट है घर के बाहर, उसको उन्होंने कालिख से पोती और वहाँ पर एक्यूज्ड लिख दिया। कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा के साथ सैयद नजीर, India TV, दिल्ली। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय जौली देखिए किस तरह से शोमा चौधरी के घर के बाहर अक्यूज लिख रहे हैं और शायद इस बात में गर्व भी महसूस कर रहे होंगे। अब विजय जौली बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे, जो किया वो आपके सामने है, किस तरह से कालिख पोतने की कोशिश की। क्या ये जरूरी है कि एक महिला की, जब हम एक महिला की इज्जत और डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी महिला की डिग्निटी को वायलेट किया जाए? सबसे बड़ी भूल जाते हैं लोग, क्यों पॉलिटिक्स करनी है? बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी, क्योंकि जो ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये भी किस तरह से एक महिला की डिग्निटी को, उसकी इज्जत को वायलेट करती हैं। क्यों हमें ये करने की जरूरत है? अगर शोमा चौधरी गुनहगार हैं तो ये कानून का काम होगा। ये सब जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या कहते हैं बीजेपी नेता विजय जौली, जो शोमा चौधरी के नाम के आगे अक्यूज्ड यानी आरोपी लिख रहे हैं? और ये देखिए, संगामे के बाद शोमा चौधरी अपने घर से बाहर निकली और किस तरह से, मीडिया की तो भीड़ थी ही, क्या कर रहे हो यार? बिल्कुल नहीं जाना देंगे, बिल्कुल नहीं जाना देंगे, इसे आप पास करिएगा, इसे आप पास करिएगा। शोमा चौधरी अपने घर से बाहर निकली थी लेकिन उन्हें गाड़ी तक पहुंचने नहीं दिया गया, पूरे रास्ते वहां पर भीड़ जमा थी।